नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। निशुल्क स्टूडेंट कोचिंग क्लास बरेला में कैबिनेट मंत्री रवि करण साहू जी का आगमन हुआ और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका सम्मान किया गया। स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस बरेला के संचालक मयंक साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश शासन रवि किरण साहू के प्रथम बरेला नगर आगमन पर साहू समाज के वरिष्ठ जनों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाएं पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत जबलपुर उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू, बरेला व्यापारी संघ अध्यक्ष आशीष जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष पार्षद दिनेश पटेल, पार्षद श्रीकांत उपाध्याय, दुलीचंद साहू, उदय साहू, मोंटी साहू, पूनम साहू, श्वेता साहू, मदन साहू, भगवान दास साहू, कृष्ण कुमार साहू, नरेश साहू, सुनीता साहू, अरविंद साहू, राकेश साहू, संध्या साहू एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और प्रदेश संगठन के अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने के माध्यम से मेरी ये नियुक्ति जो हुई है, सरकार ने मुझे तेलगानी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में मुझे जो समाज के बीच में भेजा है, तो सबसे पहले तो मैं समाज का आभार व्यक्त करने आया हूँ कि रथ यात्रा का जो 17 अप्रैल 2022 में शुरुआत की थी, समाज एक साथ जुटा था। हेलीकॉप्टर यात्रा में समाज एक साथ जुटा था और मैं जबलपुर आगमन के बाद पहला नगर है मेरा समाज के बीच में मैं जाना चालू कर दिया कि जहाँ जहाँ समाज ने मुझे जो एक साथ शक्ति दे करके भोपाल के जमहूरी मैदान में तेलगानी बोर्ड का जो गठन कराया उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में मुझे आज मुख्यमंत्री जी ने जो भेजा उनका आभार प्रदर्शित करते हुए और समाज का आभार प्रदर्शित करने के लिए मैं सभी जगह जा रहा हूँ। मेरी प्रमुख जब मेरा अभी मंत्रिमंडल पूरा बन जाएगा, हमारे सारे सदस्यों के साथ मुझे अधिकारी मुझे मिल जाएंगे, मैं समाज के लिए, उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, प्रशिक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं उसको मैं लागू करूंगा, जिसमें बड़े बड़े उद्योगों के लिए ऋण हो, तेली समाज को स्पेशल सब्सिडी हो और हमारे समाज को जितना भी मुझे सरकार की ओर से ताकत मिलेगी प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। यहाँ बुला करके मुझे वृक्षारोपण अभियान 1 लाख वृक्ष का पूरे प्रदेश में चल रहा है। वृक्षारोपण अभियान में मैं पहले भी आया हुआ था और अभी भी वृक्षारोपण सभी के साथ किया और इस जल जंगल का संरक्षण काम समाज का, सरकार का नहीं है, सभी लोगों को सोचना चाहिए। बड़े साहू जी के बरेला में प्रथम नगर आगमन, बरेला आगमन पर हम समस्त साहू समाज ग्रामीण के द्वारा आज उनका स्वागत बंधन अभिनंदन किया गया। साथ ही साहू समाज ने उन आज की जो वर्तमान मध्य प्रदेश में सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उनको समस्त साहू समाज की ओर से धन्यवाद दिया और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश शासन और रविकरण भाई आज हमारे बीच छोटे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे छोटे से क्षेत्र में आकर हमने साहू समाज के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। रामेश्वर साहू जनपद के बाद जबलपुर।